नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं श्रीराम शर्मा और आप देख रहे हैं गौरी गोपाल न्यूज। मैं हूं आज एक ऐसी जगह पर जहां एक ऐसा विशाल आश्रम बन रहा है, एक ऐसे मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है जहां माओं की सेवा हजारों की संख्या में होने वाली है। अभी तक जो आप गौरी गोपाल आश्रम देखते हैं वहाँ 265 माओं की सेवा होती है। वो आश्रम छोटा पड़ चुका है, तो उसके लिए पूज्य महाराज जी ने एक विशाल आश्रम का यानी कि एक बड़े आश्रम का निर्माण कार्य जो कराने का जो कभी सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आज वहीं खड़ा हूँ जहाँ ये आश्रम बन रहा है। मेरे पीछे पूरा आश्रम का कार्य चल रहा है। ये वो आश्रम है जो आप देख पा रहे हैं जहाँ हजारों माओं की सेवा हम और आप सभी लोग एक साथ करेंगे। तो नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट के साथ में यहाँ ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर G+2 ऑल रेडी तैयार हो चुके हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ यहाँ जहाँ ये आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर रहेगा, यहाँ पे कथा हुआ करेगी और बेसमेंट में रसोई चल रही है। रसोई की भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और अभी यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो सरिया वगैरह यहाँ कट रही है, मजदूर लोग यहाँ बैठे हैं जो कार्य कर रहे हैं और ये कार्य बिना किसी रुकावट के नित्य यहाँ चल रहा है। यहाँ सरिया का कटिंग का काम चल रहा है, आइए दिखाएंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कटिंग हो रही है, मैं वहाँ पे आया हूँ और बड़ी बड़ी सरिया यहाँ हैं। ये भाई सरिया का काम कर रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, कब से काम कर रहे हो यहाँ? मैं स्टार्टिंग से महाराज जी का सारा काम हम ही करते हैं, जो आश्रम भी हमने बनाया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सरियों का? ये कटिंग हो रही है, ऊपर छत के लिए माल बनना है। कौन सा अभी फ्लोर बन रहा है ऊपर? अभी क्या नाम हमारा, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फ्लोर के लिए जा रही है। फोर्थ फ्लोर के लिए सरिया यहाँ कट रही है। ये सरिया आप देख सकते हैं, इतने मोटी मोटी सरिया हैं यहाँ पे। कितने भाई उसकी है? ये 32 mm जो कॉलम ऊपर ढल रहे हैं उन कॉलमों में 32 mm की ये सरिया लगाई जाएगी। क्या क्वालिटी है इसकी, कैसा क्या है ये बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? हाँ, ये टाटा टिस्कोन है। ये सरिया पुलों में यूज में आता है ज्यादातर। सबसे अच्छी सरिया है, मतलब सबसे बढ़िया टाटा टिस्कोन। टाटा का लोहा यहाँ लग रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है, जो भी यहाँ सामान, जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगाया जाए ताकि कोई भी सालों साल यहाँ नुकसान ना हो, इसका ख्याल पूज्य महाराज जी रखते हैं। 32 mm की ये सरिया है, उसके साथ में ये सरिया, ये कितने एमएम की है? 25 mm है। ये भी 25 mm, ये छोटी वाली, ये किस में काम आती है छोटी वाली? ये रिंग बनाने के लिए काम आती है छोटी वाली। वो किसके लिए फोल्ड किए गए हैं वो वाले? बीमो के लिए। ये मशीन क्या करती है? मशीन, आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा ये मशीन दिखाएं जहाँ ये मोल्डिंग होती है। ये मशीन है जहाँ पे ये एमएम जो 32 mm की सरिया है, इसको भी इस मशीन ने मोड़ा है। तो ये लाइट से चलती, बिजली से चलती है, चालू है। तो कुछ मोड़ के दिखाओ कुछ। ये वो मशीन है जिससे बड़े बड़े सरिया, मोटे मोटे सरिया आसानी से मोड़ दिए जाते हैं और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, और जल्दी से काम ये मशीन करके देती है। ऐसी मशीनों उपकरणों के साथ में आधुनिक मशीनें यहाँ लगी है ताकि जल्दी कार्य संपन्न हो सके। ये मशीन यहाँ मेरे भाई एक सरिया मोड़ के दिखाएंगे कैसे ये सरिया मोड़ के काम करती है। उसके बाद पूरी मंजिल जो बन रही है वो आपको दर्शन कराएंगे, कैसा मंदिर बन रहा है, कैसा आश्रम ये बन रहा है। ये 25 mm की सरिया है, अब इसको यहाँ मोल्ड किया जाएगा। यहाँ मशीन के बीच में रखी और मशीन को चालू किया, देखो बड़ी आसानी से इसने सरिया को मोड़ दिया। इसमें सब फिक्स रहता है, कहाँ कितना मोड़ना है, कितने एंगल पे ले जाना है, सब पहले ही ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। करना पड़ता है ना, उसके बाद में जैसे हमको जितना मोड़ना है और ज़्यादा मोड़ना है तो वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, उसके साथ में काम हो जाता है। बड़ी आसानी से जल्दी से काम चल रहा है, जल्दी आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो जाए और जल्दी से हजारों माओं की सेवा करने का लाभ प्राप्त कर सकें, ऐसा पूज्य महाराज जी का आदेश से बड़ा ही सुंदर कार्य चल रहा है। अब आइए अंदर दिखाएंगे क्या क्या काम हो चुका है और क्या काम अभी है बाकी। ये ग्राउंड फ्लोर की पहली सीढ़ी है जहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। ये हॉल है पूरा, यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, कथा सत्संग वगैरह भी अब यहीं हुआ करेगी। बहुत बड़ा हॉल है, मेरे पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ, और इसी हॉल में अब कथा हुआ करेगी। साथ ही जो यहाँ दर्शनार्थी लोग आएंगे, जो भक्त लोग आया करेंगे, वो भी यहाँ गौरी गोपाल भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वो जो अभी आश्रम हाल फिलहाल में है वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, जिस वजह से इतना बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूज्य महाराज जी ने कराया है। तो मेरे पीछे वो पूरा आश्रम, यहाँ पे शटरिंग भी लगी हुई है जो अभी हाल ही में यहाँ पे लेंटर डला है, और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा आज आश्रम विजिट करेंगे गौरी गोपाल न्यूज के साथ में, बने रहिए, आइए जल्दी जल्दी। ये पूरी फुटेज आप देख पा रहे हैं और फुटेज में यहाँ शटरिंग लगी है, कई पार्टीशन में ये कार्य पूरा हो रहा है क्योंकि बड़ा काम है और उसी हिसाब से समय लग रहा है। यहाँ पे पाइप भी है पानी की, जो ये तराई वगैरह हो रही है,
अच्छे से लेंटर को पकाया जा रहा है। बड़ी देखभाल, बड़े ही सुदृढ़ इंजीनियरों के साथ में यहाँ ये कार्य हो रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ लिफ्ट है मेरे सामने, यहाँ लिफ्ट लगेगी और साथ ही ये कब्रें हैं, यहाँ पे व्रत माताएँ रहेंगी, यहाँ लिफ्ट रहेंगी। यहाँ पूरे इस मंदिर के अंदर 8 लिफ्ट लग रही हैं। किसी भी लिफ्ट से आप जा सकते हैं, किसी भी लिफ्ट से आप आ सकते हैं और बड़ी हाईटेक यहाँ लिफ्ट लगेंगी और बड़ी जल्दी से रफ्तार के साथ में ऊपर नीचे चौथी जो पाँचवीं मंजिल तक ये कार्य हो रहा है वहाँ तक आसानी से हम लोग पहुँच पाएंगे। मेरे सामने लिफ्ट हैं, लिफ्ट यहाँ लगेगी, लिफ्ट का पूरा वो बन चुका है, जहाँ लिफ्ट में ये लगेंगी पैनल पूरा तैयार हो चुका है, उसके लिए जगह छोड़ दी अभी से। इधर कब्रें हैं और इधर भी जहाँ अभी कैमरामैन मेरे दिखाएंगे पंछी भाई, वहाँ भी आप देखेंगे वहाँ भी कब्रें ही कब्रें बन रहे हैं। यहाँ इतने कब्रें हैं कि कम से कम 1000 माएँ तो बड़ी आसानी से रह पाएंगी। ये देखिए यहाँ ये भी लिफ्ट हैं, यहाँ दो लिफ्ट यहाँ लगी हैं और 3 लिफ्ट उधर लगी हैं और ये बालकनी है, उधर एक हॉल है, इधर पूरा हॉल है और इसी हॉल के साथ में यहाँ कुछ कमरे भी हैं जिन कमरों को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आइए, लगातार कार्य यहाँ चल रहा है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे माओं के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ प्लास्टर हो रहा है या प्लास्टर आप बोलते हैं जिसको, प्लास्टर भी हो रहा है और उसमें दूसरी तरफ जो है पानी की भी बारिश हो रही है और इसी के साथ में इतना कार्य तेज़ी से हो रहा है ताकि ये कार्य जल्दी संपन्न हो सके और हज़ारों माओं की सेवा हम और आप सभी लोग कर सकें। पहले पानी मारा जाएगा, उसके बाद में यहाँ सीमेंट के साथ में इस पर प्लास्टर होगा। आपको पूरा दिखा भी नहीं पाए और उससे पहले, क्योंकि वहाँ कई जगह पानी की जो तराई चल रही है तो पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते, परंतु जो फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ शटरिंग लगी है, कुछ नया काम यहाँ हुआ है, तो थोड़ी सावधानी के साथ में हम ऊपर जाएंगे। आइए, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि आपको पूरी आज ये मंजिल दिखाए जहाँ हमारी माओं की सेवा होगी। आइए, फर्स्ट फ्लोर पर अभी शटरिंग लगी है, पहले यहाँ पीछे का जो लेंटर था वो पड़ चुका था लेकिन आगे का लेंटर अब पड़ रहा है, तो आप शटरिंग देख सकते हैं। कई टुकड़ों में ये काम हो रहा है, एक बार में पूरा लेंटर हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा है, तो एक बार में अगर हम जो बड़ा पूरा लेंटर डालेंगे तो क्रैक वगैरह आने के चांसेस रहेंगे और इसके साथ में हम जो है एक बार में इतना कार्य नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ टुकड़ों में काम होता है। अभी उधर डल गया, वहाँ से शटरिंग खुली तो अब शटरिंग यहाँ आ गई, अभी ये काम चल रहा है। वहाँ पहली शटरिंग खुल चुकी है, लग चुका है, पीछे आइए मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में ये शटरिंग वाला हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पहले से ही शटरिंग खुल चुकी है, लेंटर पककर पूरा तैयार हो गया है, वहाँ पे अब कब्रें बनने भी तैयार हो गए हैं। यहाँ मेरे पीछे कब्रें बन रहे हैं, ये व्रतमाएँ यहाँ रहेंगी, इन्हीं कब्रों में पूरा कब्रा यहाँ सुसज्जित तरीके से बन रहा है, लेट बाथ अटैच रहेगा ताकि किसी भी माँ को कोई परेशानी ना हो। और जैसे जैसे आगे लेंटर खुलता जा रहा है, वो शटरिंग खुलती जा रही है, वैसे वैसे कब्रें आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे पीछे कब्रें कुछ तैयार हो रहे हैं और साथ ही चलेंगे हम सेकंड फ्लोर पर भी जहाँ भी कार्य हो रहा है, उससे पहले शटरिंग के आगे जाकर के उस आश्रम को भी दिखाएंगे जहाँ आप लोग आते हैं, जहाँ से आप जुड़े हैं। चलिए, सबसे आगे वाले पार्ट पर जहाँ अभी शटरिंग बंधना बाकी है, जहाँ अभी लेंटर पड़ना बाकी है, और मेरे जस्ट पीछे है वो आश्रम जहाँ आप व्रत माताओं के दर्शन करते हैं, गौरी गोपाल भगवान का वो मंदिर जहाँ आप दर्शन करते हैं, साथ ही वो कथा हॉल भी, वो पांडाल भी जहाँ आप हर रोज़ कथा अपने घर बैठे लाइव देखते हैं, यहाँ जब यहाँ आते हैं तब यहाँ करके देखते हैं। पीछे है वो पूरा आश्रम और जहाँ व्रत माताएँ रहती हैं और उन्हीं व्रत माताओं के इसी फ्लोर पर महाराज जी भी रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ वो कथा हॉल है, जिस कथा हॉल में आप लोग कथा अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ करके सुनते हैं, अथवा जो यहाँ नहीं आ पाते वो लोग अपने घर बैठे ही कथा को सुन पाते हैं। मेरे पीछे यहाँ रिंग वगैरह तैयार हो गई हैं जो यहाँ इस शटरिंग के लिए, इस लेंटर के लिए पड़नी है, लगनी है। पूरी तैयारियाँ लगभग यहाँ हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ मजदूर लोग बड़े ही सुंदर भाव के साथ में कार्य कर रहे हैं और अपने आप में बड़ा गौरव फील करते हैं ये लोग कि हम एक ऐसा सच्चा और अच्छा नेक कार्य करने जा रहे हैं जिसमें माओं की सेवा होगी। तो बड़ा ही सुंदर भाव के साथ में सभी यहाँ कार्यकर्ता लोग कार्य करते हैं और सभी लोग अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और कार्य निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है। इससे पीछे आप देखेंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरी तरफ तो यहाँ आश्रम है और आश्रम के जस्ट सामने ये दूसरा आश्रम बन रहा है खंड 2 में। ये 2 पार्ट है, विशाल पार्ट है जहाँ एक साथ 1000 माएँ रहेंगी, कम से कम 1000 माओं का प्रावधान तो पूज्य महाराज जी लेकर चली रहे हैं। और आइए, मैं निवेदन करूंगा कि कार्य तो चल ही रहा है, आप भी इस निर्माण कार्य को देखें अपनी आंखों से सजीव, ऑन कैमरा हम आपको यहां दिखा रहे हैं ताकि आप भी ये देख सकें कि कितना कार्य बड़ी
सुंदर और स्पष्ट तरीके से यहाँ चल रहा है। और इस प्रत्येक कार्य के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है कि यहाँ माँओं की सेवा कर सकें। वास्तव में इतना बड़ा कार्य इतने बड़े दिल के साथ में, इतने बड़े भाव के साथ में पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। ये पूरा कार्य निरंतर यहाँ चल रहा है। ये आगे का जो अभी सेटरिंग खुलना है, उसके बाद जो पीछे का जो सेकंड फ्लोर का है वो पीछे वो से पार्ट बन के आ रहा है, उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ जाएगी, सेटरिंग खुल के यहाँ लग जाएगी। और ऐसे ही खंड बाई खंड में पार्टीशन के बाद में निरंतर कार्य चलता रहेगा। और वो अब दिन दूर नहीं जहाँ इस आश्रम का इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा, और माँ की सेवा उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी। पूज्य महाराज जी हर कार्य का निरीक्षण अपने देखरेख में करते हैं। जो भी यहाँ काम होता है, हर काम उनके निरीक्षण में होता है, और किसी भी काम में कोई त्रुटि ना रहे, कोई गलती ना हो जाए, इसका ख्याल भी वो स्वयं रखते हैं। इतना व्यस्त होने के बाद भी हर काम पर उनकी नज़र रहती है, ये हमें और आप सबको एक प्रेरणा देती है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप भी अच्छा सीखें, और ऐसे ही अच्छे कार्य के लिए अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप हाथ आगे ज़रूर बढ़ाएँ। धन्यवाद। और सरिये को ऊपर खींचा जा रहा है, ये 25 mm की सरिया है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है, क्योंकि इसको सिर पर लाना तो इतना आसान नहीं है। तो उसी तरीके से अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए भी ऐसे यहाँ कार्य हो रहा है। हाथों में दस्ताने पहने हैं और दस्तानों के साथ में सरिया को अब ऊपर खींच करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जब ऊपर यहाँ लेंटर पड़ेगा तो उसमें काम आए और आसानी हो सके। फेस वन का गौरी गोपाल सामने है, जहाँ कथा होती है, जहाँ वो आश्रम है, जहाँ माताएं रहती हैं, और महाराज जी भी ऊपर ही माताओं के साथ में रहते हैं। ऊपर एक छोटा सा कक्ष है 8x8, मैं कभी उस कक्ष को भी आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और पीछे ये कार्य निरंतर चल रहा है। और अभी मैं बस इतना ही कहूँगा, ये कार्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस सबका श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आप भी हज़ारों माओं की सेवा में अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। धन्यवाद आज आप सबको। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं उस आश्रम को दिखा पाऊँ, उस कार्य को दिखा पाऊँ जो यहाँ रात दिन निरंतर हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए और जानकारी न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।